आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और देखता हूं कि हमेशा इस चर्चा में बना रहता है। ऐसा कोई टाइम नहीं जाता है जिस समय इस चर्चा में ना रहे। दिल्ली में क्षेत्राधिकार विवाद, आप लोग देखते हैं कभी यहाँ के उपराज्यपाल साहब कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो मुख्यमंत्री साहब को मंजूर नहीं होता है, कभी मुख्यमंत्री साहब ऐसा निर्णय लेते हैं उपराज्यपाल साहब को मंजूर नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई घटना घट जाए तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल साहब केंद्र सरकार पर डाल देते हैं, क्योंकि जो वहां की पुलिस व्यवस्था है उस पर किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार फैसला लेती है उन सभी मामलों में और केंद्र सरकार के ही कहने पर, उसी के इशारों पर वहां की पुलिस भी काम करती है। ठीक है, वैसे अन्य राज्यों में आप लोग देखेंगे जहां विधानसभा है यानी कि जनता के द्वारा वहां का सीएम चुना जाता है यानी कि जो विधानसभा होती है, तो उन सभी मामलों में आप देखेंगे कि पुलिस व्यवस्था होगी और सभी कानून वहां राज्य सरकार पर डिपेंड करते हैं, यानी कि पुलिस को क्या करना है राज्यपाल ही, सॉरी राज्य ही, यानी कि वहां का जो भी सीएम होगा वही निर्धारित करता है। लेकिन दिल्ली के मामले में ऐसा नहीं है। देखते हैं विभिन्न पक्ष हैं इसमें, सभी पक्षों पर कोशिश करूंगा कि हम लोग जानकारी प्राप्त करें। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस वर्ष फरवरी माह में राज्य में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में लोक अभियोजकों को नियुक्त करने संबंधी दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। दिल्ली सरकार ने गृह विभाग को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों का एक पैनल बनाने का निर्देश दिया था। दिल्ली सरकार का मानना था कि सांप्रदायिक हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच को न्यायपालिका ने निष्पक्ष नहीं पाया है, इसलिए दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दी गई तो मामलों की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी। ये तब की बात की जा रही है जब आपने देखा सीए के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसी समय की बात है। और वैसे ही आप लोग भी जानते हैं कि फिर अरविंद केजरीवाल का काम क्या है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर सीएम वहां काम ना कर पाए, जनता उसे चुन रही है पूर्ण बहुमत के साथ, आपने देखा है कि दूसरी बार भी कितना अच्छे से जनता ने बहुमत दिया, अगर उसका कोई मतलब ना रहे तो उसका तो जीतना ना जीतना बराबर है, समझ रहे हैं? तो इसलिए विवाद में बना हुआ है। तदुपरांत उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर असहमति जताई और संविधान के अनुच्छेद 239(1) परंतु 4 के अनुसार अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसने? उपराज्यपाल ने इस विषय को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दिया और स्वयं ही लोक अभियोजकों को की नियुक्ति कर दी। उपराज्यपाल के इस कार्य से दिल्ली सरकार के साथ टकराव बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। और एक बात वैसे भी आप लोग याद रखिए कि जो राज्यपाल होते हैं ये सभी उपराज्यपाल हो गए, राज्यपाल हो गए, प्रशासक हो गए, ये सभी क्या करते हैं, सभी लोग जिसकी केंद्र सरकार में सरकार होती है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी का पक्ष लेते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा ही लगभग काम करते हैं। ठीक है, दिल्ली की अगर हम लोग संवैधानिक स्थिति की बात करूं, और इससे पहले बता दूं आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं आपके, प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है और मेंस में भी पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। बालकृष्ण कृष्ण समिति ने सुझाव दिया था कि दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र ही बनाए रखा जाना चाहिए, किंतु उसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की जानी चाहिए। समिति की सिफारिश के आधार पर संसद ने 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239, 239AA और 239AB शामिल करके इसमें दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किए गए। तो याद रखना इस पॉइंट को भी कि दो ये आपका 69वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ विधानसभा गठित की गई थी और ये कब हुआ था, 1991 की बात है। अभी अगर करंट में आप बात करेंगे तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा यानी कि सीएम बनता है, किस किस में? पुडुचेरी, दूसरा आप देखेंगे कहाँ, आप देखेंगे दिल्ली, और तीसरा कहाँ है, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर जो अभी नया बना हुआ है। और करंट यानी कि अगस्त 2020 की बात करूं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में और 28 राज्य। ठीक है, संसद ने अनुच्छेद 239AA के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 1991 पारित किया। इसी अधिनियम तथा अनुच्छेद 239AA और 239AB और अनुच्छेद 239B में निर्दिष्ट
प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में दिल्ली के प्रशासन, दिल्ली का जो प्रशासन है इसे चलाया जाता है। क्या है आखिर अनुच्छेद 239A जो विवाद में बना हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 239A की व्याख्या की थी, जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। यदि कोई अपवाद है तो वह मामले को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं, परंतु यह अपवाद दुर्लभतम श्रेणी का होना चाहिए। एक बात आप समझ रहे हैं कि मतलब एक उपराष्ट्रपति, यानी कि आप कहिए उप जो यहाँ के उपराज्यपाल साहब हैं, उन्हें एक मतलब क्लू मिल गया। आप कह सकते हैं कि कोई भी क्या बोल रहा है, अगर दोनों में मुख्यमंत्री साहब यानी कि मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल में अगर विवाद होता है तो ऐसे मामले को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं, और इसी का फायदा उठाते हुए उपराज्यपाल साहब इस तरह के हर मामले को वो राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन आरक्षित कर लेते हैं। वो यही विवाद बना हुआ है, वरना आप समझ सकते हैं कि क्या बोला है, दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, यदि कोई अपवाद, ये सब अपवाद के कारण ही समस्याएं देखने को मिल रही हैं, वरना वहां साफ साफ कहे गए इस निर्णय में कि आपका मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होगा जो भी उपराज्यपाल वहां होंगे। अब बात करते हैं क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद में केंद्र सरकार का पक्ष क्या है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ऐसी विशिष्टताओं से युक्त है कि इस पर केंद्र सरकार का प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है, और 69वां संविधान संशोधन इस बात की पुष्टि भी करता है। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति अन्य राज्यों की राज्यपाल के अधिकार से अलग है। संविधान के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को विशेष अधिकार मिला हुआ है। विधानसभा होने का यह अर्थ नहीं है कि दिल्ली एक राज्य है, उसे अन्य राज्यों की तरह अधिकार प्राप्त हैं। दिल्ली पूर्णतः केंद्र द्वारा शासित प्रदेश है, और अंतिम अधिकार केंद्र के जरिए राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 239AA4 में प्रयुक्त भाषा उपराज्यपाल उसकी मंत्रिपरिषद पर गौर करने पर स्पष्ट होता है कि दिल्ली के प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी उपराज्यपाल को दी गई है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जो सीएम साहब हैं, उनका अगर ऐसा मामला उठता है, हर बार इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, तो दिल्ली के जो सीएम साहब हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि विधानसभा होने का मतलब क्या है, कि जनता अगर चाह रही कुछ और, जनता ने चाहा तभी तो सीएम बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल साहब। आप समझिए, अगर उनके निर्णय नहीं मान्य होते हैं, उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, तो ना तो जनता की, आप समझिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका वोट का सम्मान हो रहा है, और ना ही वहां सीएम साहब का, समझ रहे हैं। दिल्ली सरकार का पक्ष क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। दिल्ली की विशिष्ट स्थिति पर गौर करें तो यहाँ जिस वेस्ट मिनिस्टर पद्धति को अपनाया गया उसमें चुनी हुई सरकार की सर्वोपरि होती है। यही व्यवस्था पूरे देश में है। इसे देखते हुए दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार की ऊपर मनोनीत सरकार को वरीयता कैसे दी जा सकती है, यह संवैधानिक मूल्यों के विपरीत होगा। उपराज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत चुनी हुई सरकार होती है जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जमीन, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के अलावा राज्य और संवर्ती सूची में शामिल मामलों में दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। जमीन और सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, ये तीनों केंद्र सरकार के पास है। किसके? केंद्र सरकार के पास शामिल है, याद रखिए। संवैधानिक प्रावधानों पर गौर करने पर पाते हैं हम लोग कि यह राज्यपाल को भी सीमित शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि 239 काका के द्वारा असिस्ट एंड एडवाइज को बदलकर एड एंड एडवाइज कर दिया गया है। इसलिए उपराज्यपाल द्वारा हर मामले को अपने पास अनुमति के लिए मांगना असंवैधानिक है। समझ रहे हैं कि हर मामले को उपराज्यपाल अगर हर मामले में टांग अड़ाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। एक समय आपने सुना होगा, सहायक संधि सुनी होगी, सुना होगा कि उसमें क्या करते थे कि अंग्रेजों ने सभी जो भी आय का स्रोत था वो सभी अपने अंडर में कर लिया था, और पब्लिक व्यवस्था को आगे कर मतलब पब्लिक को संभालने के लिए वहां के राजाओं को संभाला गया था, किया गया था आगे। तो आप समझिए कि अगर कुछ हो रहा है, भूख प्यास से कोई मर रहा है, तो कौन जिम्मेदार होगा? राजा। लेकिन राजा क्या करे, राजा के पास आय का कोई स्रोत ही नहीं था। तो समझ रहे हैं, यही हाल किसका, दिल्ली सरकार का। आप सोचिए अगर दिल्ली में कुछ घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सीएम।
लेकिन सीएम के हाथ में कुछ शक्ति तो होना चाहिए। अब बात करते हैं विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय है, उस पर बात करते हैं। सबसे ज्यादा समस्या तब देखने को मिलती है जब देखते हैं कि केंद्र सरकार में दूसरी सरकार है और वहां दिल्ली में अलग सरकार है। और वैसे भी आप लोग देखते होंगे अक्सर कि ये राज्यों में भी स्थिति देखी जाती है कि जब राज्य में किसी और की सरकार हो और केंद्र में किसी और की सरकार हो तो राज्यपाल वहां भी बहुत कुछ कर जाता है। आपने मध्य प्रदेश का भी हाल में ही निर्णय देखा होगा कि वहां कांग्रेस क्या बोल रही थी कि हमें जल्दी बहुमत करवाना है कि बहुमत साबित है या नहीं है, लेकिन बीजेपी टाल रही थी, बढ़ा रही थी। लेकिन आपने देखा राजस्थान में बीजेपी क्या चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी बहुमत मतलब साबित हो, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही थी। यहां आपने देखा कि कांग्रेस जल्दी चाह रही थी लेकिन उसमें देखा होगा आपने कि बीजेपी बढ़ा रही थी। जो भी रहा हो मामला आप देखते रहिए। अनुच्छेद 239(a)(3) यह प्रावधान करता है कि दिल्ली विधानसभा पुलिस भूमि और लोक व्यवस्था छोड़कर राज्य सूची संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता की सीमाओं को चित्रित करते हुए कहा है कि उपराज्यपाल भूमि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के मामलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर उन पर बाध्यकारी होगी, यानी कि मानना होगा उन्हें जो भी मंत्रिपरिषद कहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए कहा है कि उपराज्यपाल को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, उन्हें या तो मंत्रिपरिषद की सहायता या सलाह पर कार्य करना होगा या फिर उनके द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किसी मामले पर राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करना होगा। यहाँ आपने देखा है कि मतलब एक तरह से जो उपराज्यपाल की अधिकारों की बात है तो उन पर विराम लगाने की बात की गई है। संविधान पीठ ने अपनी अलग किंतु समेकित राय में लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार के साथ सामान्य विवाद को राष्ट्रपति के पास भेजने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। न्यायालय ने कहा है कि उपराज्यपाल को सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। निर्णय में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि उपराज्यपाल यांत्रिक रूप से सभी मामले स्वविवेक के बिना राष्ट्रपति को संदर्भित नहीं कर सकते हैं। निर्णय लेने का वास्तविक अधिकार निर्वाचित सरकार के पास है क्योंकि वह जनता के प्रति जवाबदेह है। उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है इसने काफी हद तक अच्छी बात कही है। लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार का पक्ष क्या है उसे भी देख लेते हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि किसी भी आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि जांच पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए और जांच को न्यायिक प्रक्रिया के बाकी हिस्सों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार का मानना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में भी यह उल्लिखित है कि दिल्ली सरकार को सरकारी वकील नियुक्त करने का अधिकार है। संविधान के तहत उपराज्यपाल के पास दिल्ली की निर्वाचित सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने की विशेष शक्तियां हैं, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उपराज्यपाल दुर्लभतम मामलों में ही इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध होगा। लोक अभियोजकों के पैनल की नियुक्ति किसी भी दुर्लभ श्रेणी में नहीं आती है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इस कारण से दिल्ली सरकार लोक अभियोजकों को नियुक्त करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। तो ये कहानी है आपकी। क्या उपराज्यपाल प्रशासकीय मामलों में राष्ट्रपति के समक्ष संदर्भित कर सकते हैं? वर्ष 2018 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह पता चलता है कि संविधान के तहत उपराज्यपाल के पास दिल्ली की निर्वाचित सरकार के निर्णय को राष्ट्रपति के विचाराध आरक्षित करने की विशेष शक्तियां हैं, परंतु उपराज्यपाल दुर्लभतम मामलों में ही इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उपराज्यपाल अनुच्छेद 239(a) के परंतु 4 के अंतर्गत अब्बास स्वरूप किसी मामले के संबंध में ही राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, ना कि प्रत्येक मामले को। आप समझ रहे हैं, कुछ ही मामलों को जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं को आरक्षित कर सकता है, प्रत्येक मामले को नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी मामलों को करने लगे। सर्वोच्च न्यायालय का यह भी मानना था कि उपराज्यपाल को इस शक्ति का प्रयोग सामान्य नियम की भांति ना कर अपपाल स्वरूप ही करना चाहिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च संविधानिक प्राधिकारी है और उनके
निर्णय को संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही मांगा जाना चाहिए। आगे की राय क्या हो सकती है? तो दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल को सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय के अधीन रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने के लिए सरकार व उपराज्यपाल को संयुक्त रूप से कार्य करने की दिशा में आगे आना चाहिए। आपने देखा होगा, ये अभी का मुद्दा नहीं है, जब से आपने देखा है अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं तब से ये कुछ ज्यादा ही विवाद में बना रहता है। अच्छा काम भी करते हैं अरविंद केजरीवाल, आप मानिए या ना मानिए, क्योंकि आपने देखा है कि सभी स्टेटों के सीएम, बाकी आपने देखा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी सांसद लगे हुए थे प्रचार में, फिर भी देखिए कि एक नॉर्मल जिसने काम किया है, जनता एक तरह से आप कह सकते हैं कि जागरूक है वहां की जनता, कि उन्होंने काम पर ही, काम के नाम पर ही वोट दिए, बाकी राज्यों से अलग है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें याद रखिए।